ऐसे पहाड़ों पर ड्राइव करते हुए ना जगह जगह पर आपको चेतावनियां दिखेंगी, नजर हटी, दुर्घटना घटी, ड्राइव स्लो, देरी बेहतर होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वाकई में ये सच ही है, क्योंकि कब वक्त बदल जाए, आप हंसी खुशी जा रहे हो लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही एक खूबसूरत से ट्रिप को एक हादसे में तब्दील कर दे, क्या पता लगता है। अब पंड्या स्टोर में ही देख लीजिए, ऐसा लगा था कि अब सब कुछ वापस बैक टू नॉर्मल आ गया, अच्छे दिन आ गए, लेकिन समय का पहिया फिर से घूमा और मुसीबतों की मानो लाइन सी लग रही है। कहीं गुम हो गई है, न जाने धरा कहाँ होगी, किसके साथ होगी। ये गौतम यही सोच सोच कर परेशान हो रहा है। धरा की भी तो अपनी एक अलग दुनिया होनी चाहिए ना, कि जब से उसकी शादी हुई है इस घर में उसे क्या मिला है। अपने सभी देवरों को उसने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब अपना अपना नहीं रहता है। ये कुछ ऐसा ही इशारा दिया है इस सुमन माँ और धरा के भाई ने। जी, धरा के भाई जो हार्दिक है उनका फोन आता है और वो मेरे माइंड में ये सीट प्लान कर देते हैं कि कल को जब तेरे भाई अपनी अपनी गृहस्थियों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो सब तुम्हें भूल जाएंगे, उन्हें ना तूर याद रहेगा ना धरा याद रहेगी, और यही अगर तेरा अपना बच्चा होता तो तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। गौतम को वो यही समझा रहे हैं कि तुम्हारे यही भाई जब बहुत बड़े हो जाएंगे ना तो भैया भाभी को वो पूछेंगे भी नहीं। इसी बीच में सुमन जो मेरी माँ है उनका फ्लैशबैक आता है कि जिसमें वो और इस डर को पक्का कर देती है। वो बोलती है कि यही जिंदगी का दस्तूर है कि लोग अपनी अपनी जगह मतलब वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई बार रिश्ते अधूरे छूट जाते हैं, तो वो एक गौतम को और बुरा लगता है और उसके माइंड में वो डर और बढ़ जाता है। अब यही सवाल गौतम को सता रहा है, लेकिन लोगों को क्या, वो तो कुछ भी बोलेंगे। गौतम जानता है कि उसके भाई कभी भी अपने भैया और भाभी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और वो देखिए, इधर गौतम ढूंढ ही रहा था धरा को कि पीछे से उसके तीनों भाई आ गए। अब भाइयों का प्यार देखकर गौतम जान गया कि उसके भाई बीच मझधार में धरा और गौतम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैंने सब जगह धरा को ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे मिलनी नहीं रही। मैं मोजरी वाले को भी ढूंढ रहा हूँ, छाते वाले को भी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे कोई मुझे मिल ही नहीं रहा, तो और बच्चे को भी ढूंढ रहा हूँ, तो देखिए अब बॉम्बी के साथ क्या हो रहा है। वैसे पर्दे की ये कहानी आपको देखने मिलेगी, लेकिन पर्दे के पीछे जरा गौतम को देखिए ना, धरा के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, हमने सोचा कि थोड़ा सा वक्त है तो चलिए छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, इससे एक्टर को भी अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी ये देखने मिल जाएगा कि मार्केट के सेटअप में ये सारी चीजें कैसे असली वाली होती हैं। कपड़ों के बीच में तो नहीं घूम मिलते? नहीं, यहाँ पे भी धरा नहीं है। अब कहाँ घूम? अरे, धरा को मोजरीज बहुत पसंद थी तो शायद वो इस दुकान पे आई होगी मोजरी लेने के लिए। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।